हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल अग्रसेन रसोई। आज मैं बिस्किट की बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। जिसको खिलाओगे ना, विश्वास नहीं करेगा कि आपने बिस्किट का बनाया है। तो चलिए आज के वीडियो में शुरू करते हैं। उसके लिए हमने बिस्किट ले लिया है। अब बिस्किट की रेपर को हम अलग कर देंगे और बिस्किट निकाल लेंगे। बहुत ही बढ़िया और आसान तरीके से बन जाएगा, बहुत ही अच्छा बनेगा और खाने में भी बहुत बढ़िया इसका स्वाद आएगा। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे लाइक का बटन दिया रहता है ना, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। तो फाइनली हमने बिस्किट निकाल लिया है। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। कढ़ाई में तेल रखा था जो कि गर्म हो गया है। अब हम बिस्किट को इसी में तल लेंगे। आप सरसों के तेल में मत यूज करिएगा, मत तलिएगा। रिफाइंड आपके पास घी हो, देसी घी या फिर रिफाइंड हो ना, उसमें आप तल सकते हैं। ये देखिए दोनों तरफ से हमने इसको टोस्ट कर लिया है। अब इसको हम एक बर्तन में ट्रांसफर कर देंगे। और जो बिस्किट बचे हैं ना, उसको भी इसी में हम तल लेंगे। सारे बिस्किट हमें ऐसे दो तो चार सौ के सारे तल लेने हैं। उतना ही ऐड करिए कढ़ाई में जितना आपके तेल के बीच में एडजॉर्ब हो, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पिघलने से लगते हैं ना बिस्किट इसमें, इसलिए। सारे हमने बिस्किट तल लिए हैं और गैस के नीचे बंद कर देंगे। ये देखिए कितने अच्छे से हमने सारे तल लिए हैं। आप देख रहे हैं सोंधी सोंधी कितने अच्छे लग रहे हैं दिखने में, सोंधी सोंधी दिखने में कितने प्यारे लग रहे हैं। जब दिखने में इतना प्यारा लग रहा है तो सोचिए खाने में कितना ही मज़ा आएगा। खाने का ना मज़ा ही कुछ अलग होगा इसका। तो देखिए अपने आप मैं दिखा रही कितना क्रिस्पी हो गया है। ये देखिए अभी आपने देखा ना, और मैं दिखा देती हूँ जो ठंडा होएगा ना वही ऐसे बोलेगा, ये देखिए। तो चलिए इसको थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। इसको छोटे छोटे टुकड़ों पर कर लेंगे जिससे जल्दी से ठंडा हो जाए। बिस्किट हमारा ठंडा हो गया है। अब इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे। ये देखिए कितना क्रिस्पी है, बहुत ही अच्छा। ये देखिए बहुत ही बढ़िया बनेगा ना, जब आप बनाओगे ना आपको समझ में आ जाएगा। हाँ बहुत ही अच्छा, एक बार बना कर खाओगे ना, हफ्ते में दो बार तो बनाओगे ही, और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। मेहमान के अचानक आ जाएंगे। अगर आपके घर में कोई मिठाई सिठाई नहीं है ना, तो फटाफट आप बिस्किट लीजिए, तुरंत बना डालिए। कभी कभी क्या होता है ना कि मेहमान अचानक हमारे घर में आ जाते हैं और कुछ होता भी नहीं है कभी कभी मिठाई सिठाई या फिर बिस्किट वगैरह, तो हम सोचते हैं मिठाई देने के लिए जैसे, तो आप बिस्किट ले लीजिए फटाफट। इसको तल के आराम से इसको छोटे टुकड़ों टुकड़ों में कर लीजिए। अब लेंगे हमें ग्राइंड जार, मिक्सिंग बाउल। ये देखिए मिक्सी जार लिया हमने और इसी में सारे बिस्किट हमें ग्राइंड कर लेने हैं। ये देखिए हमने इसको ग्राइंड कर लिया है मिक्सी जार में। ये पाउडर तैयार कर लिया है, ये देखिए अच्छे से, ये देखिए एकदम बारीक हो गया है। कितनी मॉइस्चराइजिंग है इसमें पता है किस लिए, क्योंकि हमने इसे तेल में तला है, इसीलिए तेल हमें बाद में भी डालना पड़ता, मतलब घी, तो इसलिए हमने पहले इसको तल लिया। अब हमें तेल घी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब चलते हैं हम कढ़ाई की तरफ। गैस पर कढ़ाई रख दिया है। अब इसमें हम डालेंगे आधी कटोरी पानी। कप हो कप ले लीजिए, कटोरी हो कटोरी ले लीजिए। आधी कटोरी हमने पानी डाला और साथ ही आधी कटोरी हम डालेंगे इसमें चीनी। अब इसकी एक तार की चाशनी तैयार कर लेंगे। ये देखिए चाशनी पक रही है। इसको हाई फ्लेम पर नहीं रखना, मीडियम फ्लेम पर चाशनी तैयार करना। जब तक चाशनी हमारी पक रही है तब तक मैं दूसरी सॉफ्ट ड्रिंक तैयार कर लेती हूँ। हमने लिया है मिल्क पाउडर, आपके यहाँ पैकेट वाले आते हैं ना वही वही है ये दूध, चार चम्मच ले लीजिए। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध, तब तक मैं इसे थोड़ा सा घोल तैयार कर लेती हूँ। हमने लिया है दूध, अब दूध को इस मिल्क पाउडर में मिलाकर हम इसका एक घोल तैयार कर लेंगे।
यकीन मानिए बहुत ही अच्छी बिस्किट ये बर्फी बनेगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। घोल हमारा तैयार हो गया, ये देखिए। अब चलते हैं हम कढ़ाई की तरफ। तार की देखिए, तार की चाशनी भी तैयार हो गई है, ये देखिए, ये देख रहे हैं ना। अब हम अपना दूध का घोल इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी थोड़ा पका लेंगे। अब जो बिस्किट ग्राइंड किए ना उसको भी इसी में ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे बिस्किट हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। ये देखिए सारे इकट्ठे हो गए हैं, नीचे भी नहीं चिपक रहा है, तो साइड से हम इधर उधर चलाते हुए थोड़ा सा पका लेंगे। इन्हें से 3 मिनट तक पका लिया। अब गैस के नीचे बंद कर देंगे। आपके इस टाइप का कोई बर्तन हो ना ले लीजिए और उसमें हम अब इसके ऊपर एक कागज़ रख देंगे और इसको अच्छे से बैठा देंगे। ये देखिए अच्छे से हमने सेट कर दी। अब जो बिस्किट का तैयार किए ना उसको इसी में रख कर अच्छे से सेट कर देंगे। अब इसको बराबर सेट कर देंगे। आपको जितना मोटा पतला रखना हो ना रख लीजिए। आपके यहाँ अगर इस टाइप का कोई बर्तन नहीं है, टिफ़िन नहीं है ना, तो आप थाली में भी कर सकते हैं। आपको ऐसे सेट बैठा देने, चाहे थाली हो, प्लेट हो या किसी का ढक्कन उक्कन वगैरह होता है ना, इसको रख लीजिए। कर देंगे अच्छे से सेट। ये देखिए सेट हो गए हैं। ये देखिए हमने इसको अच्छे से सेट कर दिया है और इसको ठंडा होने के लिए थोड़ा सा रख देंगे। अगर आपको जल्दी ठंडा करना हो तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं 2 मिनट के लिए। इसको मैं वैसे रख रही हूँ जिससे भी ठंडा हो जाएगा जल्दी से। फाइनली ये ठंडा हो गया। अभी मैंने इसको रख कर ना पंखा चला दिया था जिससे जल्दी से ठंडा हो गया। अब इसको हम थोड़ा चाकू के सहारे स्पेस कर देंगे साइड साइड। सॉरी चाकू ही छूट गया, चलो जल्दी निकल जाएगा। ये देखिए फाइनली हमने इसको उतार दिया। अब हम एक चिकना सा कोई बर्तन ले लेंगे और इसी में जो बिस्किट के तैयार किए हैं उसको इसी में पलट देंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर इसको रखकर ऐसे पलट सकते हैं, तो चलिए मैं ऐसे ही पलट देती हूँ। ये देखिए, और इसको थोड़ा थोड़ा थपथपा देंगे जिससे अच्छे से निकल जाए। ये देखिए ये कागज़ भी निकल गया है ना, बढ़िया। अब इसके ऊपर थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट इसके ऊपर डेकोरेट कर सकते हैं, नहीं है तो आप चांदी का कवर आता है ना मिठाइयों पर लगाने के लिए, वही ले लीजिए और इसके ऊपर हम इसे चिपका देंगे। ये देखिए ये अच्छे से हलवाई स्टाइल मिठाई हमारी तैयार हो जाएगी।
ये देखिए थोड़ा थोड़ा चारों तरफ लगा देंगे जिससे चारों तरफ दिखने में अच्छा लगे। शायद ये थोड़ा ख़राब हो चुका है, निकल गया है, चिपक नहीं रहा है। ये देखिए हमने डेकोरेट कर दिया है। आपके ड्राई फ्रूट करना हो ना कर लीजिए। चलिए मैं अभी करके डेकोरेट ड्राई फ्रूट के भी कर देती हूँ। थोड़ा इसके ऊपर जो खरबूजे के बीज होते हैं ना, जिसको मगज़ बोलते हैं, उसको हम थोड़ा थोड़ा साइड साइड कर देंगे और ऐसे चिपका देंगे। थोड़ी सी लगा देंगे इस पर चेरी, आप चाहे तो बाद में भी लगा सकते हैं। रखना हो रखिए, नहीं रखना है कोई बात नहीं, ऑप्शनल है। तो चलिए इसकी मैं कटिंग कर देती हूँ। जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो ना, उसी का डेकोरेट करिए आप, क्योंकि खाना तो आप ही को है। जो हमने डेकोरेट कर लिया। अब इसकी कर देंगे कटिंग। पीस आपको अपने अनुसार कट करनी है, छोटे बड़े जिस शेप में रखना चाहते हो ना, तो आप रख लीजिए। ये देखिए आप देख रहे हैं, कटिंग से ही पता चल जा रहा है कितना अच्छा और कितना बढ़िया बना है। ये देखिए सारे अलग हो जा रहे हैं कितने अच्छे से। ज़्यादा बड़ी पीस नहीं अच्छी लगती मिठाई, थोड़ा छोटा ही रखेंगे, दिखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी। ये देखिए फाइनली हमारा कट चुका है मिठाई। मैं आपको निकाल कर दिखा देती हूँ। ये देखिए है ना बढ़िया। चेरी वेरी लगा दोगे ना, खाने में स्वाद इसका दुगना हो जाएगा। जो ड्राई फ्रूट पसंद हो वही रखिएगा। तो आप अपने घर वालों के लिए ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए आज के वीडियोस चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा और साथ ही साथ मेरे वीडियो को भी देखिएगा, तभी तो मज़ा आएगा ना। जब आप लोग कमेंट करते हो बहुत अच्छा बना है, लाइक कर देते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है और दिल को तसल्ली भी मिलती है कि लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। ये देखिए सोचिए दिखने में कितना प्यारा लग रहा है, तो खाने में कितना प्यारा लगेगा। हमने इसमें कोई कलर भी नहीं ऐड किया है, आप चाहे तो कलर ऐड कर सकते हैं, नहीं करना है तो मत करिए। देखिए फाइनली मिठाई हमारी तैयार हो गई है। बाय बाय, टेक केयर।